यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती दिखी कंगना रनौत। आतिक अहमद के बेटे के एनकाउंटर से फूली नहीं समा रही एक्ट्रेस। भैया भैया कहकर योगी के लिए सोशल मीडिया पर जाहिर किए अपने जज्बात। जी हाँ, बीते दिन गुरुवार को हर मीडिया हेडलाइन में सिर्फ और सिर्फ आतिक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर चर्चा में छाया रहा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी असद अहमद और गुलाम यूपी एसटीएफ के हाथों मुठभेड़ में जो मारे गए। राजनीति जगत से लेकर बॉलीवुड से भी इस खबर पर कई सितारों ने रिएक्शन दिया और इन्हीं में से एक रही बी टाउन की पंगा क्वीन कंगना रनौत। कंगना रनौत ने न सिर्फ इस एनकाउंटर पर खुशी जताई बल्कि वो इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने सीएम के लिए एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया। दरअसल कंगना रनौत ने अपने इंस्टा स्टोरी सेक्शन और ट्विटर में योगी आदित्यनाथ की एक वीडियो को शेयर किया। ये वीडियो कुछ समय पहले का ही है जब आदित्यनाथ ने संसद में कहा था, माफिया जो चाहे कोई भी हो, सरकार उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इस बात पर पीएम ने भी उनकी तारीफ की थी। इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, मेरे भैया जैसा कोई नहीं। इसके साथ उन्होंने शेयर किए की इमोजी भी लगाई थी और सीएम को भी टैग किया था। इसके अलावा उन्होंने दूसरी स्टोरी में इस एनकाउंटर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ये गैंगस्टर्स की सच्चाई है, वो नहीं जो आप फिल्मों में देखते हैं। सिर्फ इसीलिए कि आप निडर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहादुर हैं। आपके पास हथियार होने का ये मतलब नहीं कि आप एक फौजी हो। कंगना ने जैसे ही योगी के लिए ये पोस्ट शेयर किया तो भला यूजर्स कैसे अपने रिएक्शन नहीं देते। तभी तो इनके कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए कहा, असली हीरोइन तो आप ही हो। तो किसी ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, मैडम ये वीडियो एडिटेड है। अब भले ही लोग कंगना के इस अंदाज पर अपनी अपनी राय रख रहे हो, लेकिन कंगना तो कंगना ही है। वो किसी भी मुद्दे पर बेबाक बयान देने से पीछे नहीं रहती। राजनीति से लेकर बॉलीवुड जगत के मुद्दों पर कंगना का कोई ना कोई कमेंट जरूर आता है। इस वजह से वो कई बार मुसीबत में भी फंस जाती है। दूसरी ओर कंगना ने पहली बार सीएम योगी की तारीफ नहीं की है। इससे पहले भी वो उनसे मुलाकात भी कर चुकी है। ये मौका था कंगना की फिल्म धाकड़ के ट्रेलर लॉन्च का। इसी दौरान कंगना योगी से मिलने पहुंची थी। वहीं बात अगर कंगना रनौत के वर्क फ्रंट की करें तो उनकी फिल्म इमरजेंसी इसी साल 20 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर धमाल मचाएगी। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका में नजर आएंगी। हाल ही में कंगना ने फिल्म चंद्रमुखी 2 की शूटिंग भी पूरी की है। इसके अलावा कंगना सीता द इनकार्नेशन, टिंकू वेड्स शेरू और तेजस में भी नजर आएंगी। साथ ही कंगना रनौत ने हाल ही में अपनी नई फिल्म का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया है कि वो जल्द ही एक एक्शन फिल्म में नजर आएंगी।